आइए दोस्तों, आपका विद्या किचन बहुत बहुत स्वागत है। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे दही की चटनी बनाई है पुदीना और धनिया से। और ये देखिए दूसरी चटनी जो आप देख रहे हैं, ये कच्चे आम की कैरी से बनी हुई है। तो दोस्तों, ये दोनों चटनियाँ गर्मियों में बहुत फायदे की चीज़ है, इसे जरूर घर पे ट्राई कीजिएगा और जरूर बना करके देखिए। तो चलिए मैं आपको इसकी रेसिपी बनाना सिखाती हूँ। अब हम सबसे पहले यहाँ पे तैयार कर रहे हैं दही की चटनी। इसमें हम पुदीना और धनिया और हरी मिर्च का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ मैंने दही का सारा पानी निकाल दिया है। दोस्तों, जब भी आप दही लेके आए तो उसका सारा पानी निकाल दीजिए और दही ज़्यादा खट्टा ना हो। ये देखिए, मैंने चटनी की सहायता से इसका सारा पानी निकाल दिया। 5 मिनट के लिए इसे चटनी में रख के आप रख दीजिए, इसका सारा पानी बाहर निकल जाए। ये मैंने 250 ग्राम दही लिया था दोस्तों। ये 50 ग्राम पुदीना, ये धनिया है और यहाँ पे हम 10, 12, 15 पत्ते, हमने लिए 15 पत्ते होंगे लगभग करीब पुदीने के। इन्हें हमने डंडी से बाहर निकाल करके अलग इस तरह से कर लिया और इसमें डाल देंगे। और यहाँ हम 3 हरी मिर्च ले रहे हैं। ये देखिए, 3 हरी मिर्च है, इसको हम डाल देंगे। इसमें दोस्तों हम आधा चम्मच खाने वाला नमक डाल रहे हैं और इसमें चौथाई चम्मच हम काला नमक डालेंगे। आप अपनी आवश्यकता अनुसार इसमें नमक रखिएगा, या हम अपने टेस्ट के अनुसार रख रहे हैं। अब इसको हम मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे मिक्सर में। ये देखिए दोस्तों, हमारी दही की चटनी कितनी टेस्टी बनी है। अब हम इसके बाद दूसरी चटनी तैयार कर रहे हैं। दोस्तों, हम कच्चे आम के यहाँ पे चटनी तैयार करेंगे। ये देखिए, मैंने 2 बड़े आम लिए हैं, इसको काट लिया है। इस तरह से इसके सारे छिलके आपको उतारने हैं। पहले छिलके उतार लीजिए, उसके बाद इसको कट कर लीजिए। यहाँ मैंने 2 कच्चे आम लिए हैं और 1 इंच का टुकड़ा लिया है अदरक का दोस्तों, इसे भी छोटा छोटा काट लिया है। ये 10 अदरक कलियाँ हैं, लहसुन की, इनको अच्छे से छील लीजिए। यहाँ दोस्तों ये देखिए, थोड़ा सा पुदीना है, ये 25-30 पत्तियाँ मैंने पुदीने के लिए थोड़ा इसमें ज़्यादा रखूँगी इसलिए। और ये 200 ग्राम मैंने धनिया लिया है, साफ करके रखा है। और इसको डंडियों को, जो बड़ी डंडियाँ होती हैं उनको निकाल दीजिए और जो छोटी छोटी इस तरह की डंडियों को आप कट कर लीजिए। अब हम सारी चीज़ों को इसमें डाल देंगे। यहाँ दोस्तों देखिए, मैंने 1 चम्मच काजू लिए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लिया, सिर्फ 1 चम्मच काजू के छोटे छोटे टुकड़े। अगर आपके पास बड़े काजू हैं साबुत, तो आप 8-10 काजू ले लीजिए। और ये 2 चम्मच मैंने यहाँ सेब लिया है बेसन का, ये मार्केट में आपको मिल जाएगा। इससे क्या है दोस्तों, आपकी चटनी का टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको यहाँ इस्तेमाल करती हूँ। आप इस तरह से एक बार चटनी जरूर बनाकर देखिए दोस्तों, आपने जितनी बार भी चटनी खाई है और आपकी उससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। यहाँ दोस्तों हम 5 हरी मिर्च ले रहे हैं, ये तीखी है। अगर आप तीखा कम पसंद करते हैं तो आप मिर्च कम कर कीजिए। यहाँ दोस्तों मैं 1/2 चम्मच नमक डाली खाने वाला, आप अपनी इच्छा के अनुसार नमक रखिए, स्वाद के जितना आपको अच्छा लगता है। इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल करके, और दोस्तों इसमें ये काला नमक जरूर डालिएगा, इससे इसका टेस्ट और भी अच्छा जाता है। यहाँ मैं 1/4 चम्मच काला नमक इस्तेमाल कर रही हूँ। ये देखिए, मैंने 1/4 चम्मच के करीब काला नमक डाला है। और दोस्तों हम इसमें 2-3 चम्मच के करीब पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं डालना हमें, 2-3 चम्मच के लगभग ही इसमें पानी डालना। इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये कच्चे आम की चटनी तैयार हो गई है बनकर। अब इसे भी हम निकाल लेंगे। दोस्तों, मैंने छौंक के लिए गैस पे चमचा गरम करने रख दिया, क्योंकि हमें बहुत थोड़ा सा ही छौंक लगाना है इसमें। और दोस्तों इसमें हम 1/2 चम्मच के करीब देसी घी डाल लिया। देसी घी डालिएगा दोस्तों, और किसी ऑयल का प्रयोग मत कीजिए चटनी में, टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। अब हमारा घी गर्म हो जाएगा तो हम इसमें 1/4 चम्मच के करीब राई के दाने डालेंगे। ये मार्केट में आपको मिल जाएंगे, चटकने लगे दोस्तों तब आप अपनी चटनी के ऊपर डाल दीजिए। गैस को मैंने फुल कर लिया और देखिए दोस्तों, इस तरह से हम चटनी के छौंक लगा देंगे। अब हमारी चटनी पूरी तरह से रेडी हो गई। तो ये चटनी कितनी अच्छी शानदार बनी है। ये दही की चटनी है और ये कच्चे आम की चटनी है दोस्तों। आपको मेरी ये दोनों चटनी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूला कीजिए, क्योंकि इससे आपके पास मेरे वीडियो सबसे पहले पहुँचेंगे। इसलिए दोस्तों आपको बेल आइकन का बटन जरूर दबाना है। थैंक यू।